कॉम्पिटिशन के बच्चों से क्लास इंटरेक्ट करता हूँ, एक कॉमन सा सवाल पूछता हूँ, इनफैक्ट बड़े बड़े बच्चों से पूछ लेता हूँ ये सवाल, व्हाट इज 2 + 2 / 2। आप मानिए कह रहे हैं अच्छे अच्छे बच्चे इस सवाल का जवाब, हाँ आप सोच लें, आप सोच के ऑब्वियस से बात, व्हाट इज 2 + 2 / 2। तो इसका जवाब वो 2 देते हैं, है ना। तो कहते हैं देखते हैं 2 + 2 / 2 सच में 2 होता है कि नहीं होता, तो 2 + 2 / 2 क्या ये 2 देगा। तो बच्चे बोलते हैं सर देखें सर, 4 जोड़ा 4 को फिर 2 से डिवाइड किया, तो 4 2 से डिवाइड होकर आंसर इज 2, जो कि महागलत है। क्योंकि बचपन में एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, आपके साथ 5th या 6th में आपको पढ़ाया जाता है ये चीज ना, जिसका नाम है बोर्ड मास, है ना, बोर्ड मास। अभी हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि मैं आपको हर वो बेसिक टॉपिक से मिलवाऊंगा जो एक 9th 10th के बच्चों को बिल्कुल पता होना चाहिए, कि अगर आप 9th 10th में आ, ये सब चीजें आपको पहले से आनी चाहिए ना। तो ये बोर्ड मास का टॉपिक में, इसमें ऐसा बच्चा क्या गलती किया, तो पहले उसने बुढ़मास को सही से अप्लाई नहीं किया। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि पहले हम लोग डिवीजन करते हैं बुढ़मास के रूल के हिसाब से, थोड़ा डिवीजन और एडिशन दोनों पर चाहिए हो, तो पहले हम लोग डिवीजन करते हैं, तो पहले हमने डिवीजन किया तो यहाँ 1 आया, अब वो 2 से जाके ऐड होगा, तो इसका करेक्ट आंसर इज 3। तो सब गलती कहाँ होगी, एक बच्चा तो लड़ गया, पर मतलब लड़ गया, जो उनके टोन होते हैं सर ऐसे कैसे, हम पहले 2 + 2 किए डिवाइडेड बाई 2 किए, अब पता है क्या गलत किए हम, 2 + 2 = 4 डिवाइडेड बाई 2। तो भैया ये तुमने लिखा है ना, अगर इसको इस अंदाज में लिखते तो ये होता 2 + 2 / 2। अब जब होल लग गया या ब्रैकेट लग गया, तो पहला ऑपरेशन ब्रैकेट का करेंगे, क्योंकि उम्मीद है आपको पता होगा इस दिस इज ब्रैकेट ना, इसको हम लोग ब्रैकेट बोलते हैं, 3 तरह के ब्रैकेट है, आज हम लोग उस टॉपिक को देख भी लेंगे सिंबल्स के अंदर, ठीक है। देन वी हैव ऑफ, देन वी हैव डिवीजन, है ना, उसके बाद ये मल्टीप्लीकेशन, है ना, मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद ये एडिशन, and then we have subtraction। तो हम जो preference order use करते हैं इसी हिसाब से जाता है। तो पहले तो bracket को solve करेंगे, तो 2 + 2 solve हुआ 4, 4 divided by 2, the correct answer is 2। तो मैं क्या ऐसा बोल रहा था 2 + 2 / 2, मैं तो बोल रहा था 2 + 2 / 2 is what। तो जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को लिखने भी आना चाहिए, ये math बहुत अहम role play करता है, ये बहुत सारे बच्चे ना कभी-कभी इसको ऐसे ना, मैं कल को ऐसा लिखा हुआ 7 is less than 10, उसको ऐसे पढ़ते हैं सर ना सर, हम उसको ऐसे पढ़ेंगे 10 is greater than 7, क्या गलती। तो गलती अगर वो सोच रहे हैं कि उसको ऐसे पढ़े, तो यार इस हिसाब से तो कभी लेस देन का इन्वेंशन हुआ ही नहीं होता। तो पढ़ने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इसको रिस्पेक्ट, इस रिस्पेक्ट में, इधर वाले के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग जान तो जाते हैं, उसको पढ़ना नहीं आता है। तो रीडिंग राइटिंग और उसको इवैल्यूएटिंग सब स्किल्स तो आपके पास होनी चाहिए, इसलिए 2 + 2 / 2 करेक्ट आंसर इज 3। वो आया इसी अंदाज में, अगर बंदा ऐसे कर रहा होता तो बिल्कुल वो अपना 2 कर रहा है, यानी जो बोलने का अंदाज और लिखने का अंदाज दोनों डिफरेंट हो गया। अगर वो सही से लिखा होता तो बिल्कुल उस चीज को बहुत अच्छे से करके आता। छोटी सी बात है, छोटे से चिड़िया है, बोर्ड मास्टर का चिड़िया है, जो अक्सर बच्चों के दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि वो बहुत पहले पढ़े होते हैं और आते आते आगे आते तो भूल जाते हैं। तो बस इसीलिए रिकॉल करने के लिए छोटा सवाल मैंने आपके सामने रखा, ताकि बोर्ड मास्टर आपका क्लियर हो जाए, है ना। बस याद रखना, बस इससे सवाल आज आपको डीपीपी मिलेगा, हर दिन आपको डीपीपी मिलेगा, तो उसमें आपको दिख जाएगा, आप रिवेलेट कर लेना, आपका रिवाइज कर लेना बोर्ड मास्टर का पार्ट, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपसे बोला था, और शीट भी मैं आपको दे दूंगा, मैं इससे पैकेज रिलेटेड जो भी चीजें हैं तेरी वो आपको मिल जाएंगी, तो और अच्छे से इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बोर्ड मार्क्स के बाद अगला जो टॉपिक आता है जो बच्चे को पता होना चाहिए, दैट सिंबल्स। बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं जो बच्चे टाइम टू टाइम भूल जाते हैं, या फिर हो सकता है बहुत सारे सिंबल्स के बारे में आप आने वाली क्लासेस में जानते हैं। तो कुछ सिंबल्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपको अभी पता हो जाए, है ना, जो मैं यूज करूंगा यूजुअली, तो बीच बीच में मैं यूज करते जाऊँ और शायद आपको पता ना हो, ठीक है। जिसमें मैं एक साथ सारे सिंबल्स आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि कौन कौन से सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो सिंबल है यूजुअली आपको पता होगा, दिस इज इक्वल टू, ना, ये इक्वल टू कहलाता है, ठीक है। दिस इज अगर बी से ऑपरेशन करते हैं तो नॉट इक्वल टू, इट इज नॉट इक्वल टू, आप जैसा समझे ना, does not equal to, ये equal नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और सिंबल होता है जिसको हम लोग कहते हैं approximately equal to, ना, approximately equal to, तो this is approximately equal to, है ना, approximately, कभी कभी ना, जैसे मान लीजिए 9.78 है, तो उसको approximately हम 9.8 बोल दें, है ना, approximately equal to, बहुत near approx use करना हो तो हम लोग double use करते हैं approximately equal to। अगर
दूर का इक्विवेलेंस है ना, दूर का इक्विवेलेंस है, जैसे मान लीजिए ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ही है, लेकिन बहुत दूर का इन द सेंस ऐसे समझ लें आप कि 10.37 है, तो क्या इसको अप्रोक्सीमेटली हम 10 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो अप्रोक्सीमेट, अच्छा एक और सिंबल होता है जिससे मिलता जुलता है, दिस तीन इक्वल टू कभी कभी नीचे जल्दीबाजी में लगा देता है, आपको ऐसा ना लगे कि मैं जल्दीबाजी में लगा रहा है, जानबूझ कर लगा रहा है, मैं तो यूज कर लूंगा इसको, हम लोग इक्विवेलेंस टू करते हैं, इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट कहो या आइडेंटिकल कहो ना, आइडेंटिकल ये भी बात सही है, आइडेंटिकल मतलब आइडेंटिकल टू, एग्जाम्पल के तौर पर कल को अगर मैं बोलूँ नेचुरल नंबर इज इक्विवेलेंट, नेचुरल नंबर कैपिटल एन लिखूं है ना, या इसको ऐसे लिखिए 1, 2, 3, 4 डॉट 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 से लेकर इंफिनिटी, तो एक सिंबल तो यहाँ पर आपने देख लिया इंफिनिटी के बाद, तो दिस एन जो है वो ये बोलो या इक्विवेलेंट टू ये बोलो, बात एक ही, तो इसको इक्विवेलेंट के सिंबल से हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद जो सिंबल है हाँ वो बहुत शानदार है, चार सिंबल है, दिस 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 एंड दिस, ये चार सिंबल है। इसको जानने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सिंबल, ये नाम क्या है, ठीक है, कुछ सवाल है, बस आप ये बताना कि कौन कौन सा ट्रू है कौन कौन सा फॉल्स है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सवाल है, आप बस अपने हिसाब से आंसर्स बगल में लिख लें, कैसा एग्जांपल के फॉर्म में है ना, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ना, तो ट्राई करें अपने हिसाब से बदल के, एक मिनट लें, एक मिनट बहुत ज्यादा कर दी है ना, इसमें क्या ये चीज लिखना सही है, ये चीज लिखा हुआ सही है, ये चीज लिखा हुआ सही है, मान लीजिए आज तक किसी बैच में मुझे ऐसे बच्चे बच्चे तो नहीं, शायद बहुत कुछ पता भी होगा, मैं जिनसे पूछ रहा हूँ तो 8 में से 3-4 आपको गलत बताई देते हैं, ठीक है, तो आप जरा ट्राई करके देखिए इसमें से कौन कौन सा आपको लगता है सही है गलत है, मैं आता हूँ आंसर्स पे ना। 7 7 से बड़ा है क्या, मतलब बिल्कुल नहीं सर, एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, हर नंबर अपने आप के बराबर है, तो बराबर वही नहीं तो बड़ा बोल रहे आप, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो व्हाट अबाउट दिस, 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यही पे मेरी कहानी है सर, 7 7 से तो बड़ा ही नहीं, लेकिन नीचे जो लिखा हुआ इक्वल टू भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी बच्चे जो गड़बड़ाते हो वैसे इसका सही नाम ले लें, ग्रेटर देन और बीच में और है और इक्वल टू, ये सारी कहानी में 11th तक में भी यूज करेंगे, हम दोनों यूज हो गए होगा, तो 9th, 10th में जब चैप्टर में क्वालिटी इक्वेशन पढ़ते हैं तो उस वक्त भी ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है ना, तो ये सिंबल्स का सही यूज आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिटी बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए तब भी ये पार्ट टू, छोटा नहीं होना चाहिए, तो 7 7 से बड़ा नहीं है सर, कोई बात नहीं बराबर तो है, जैसे यहाँ पे 10 और 3 की बात करें, 10 और 3 से बराबर नहीं है, बराबर वाला चीज फुलफिल नहीं कर रहा, लेकिन ग्रेटर वाली बात को फुलफिल कर रहा है, तो दोनों में से कोई एक यहाँ और रह रहा, और का मतलब ये होता है ये हो जाए या ये हो जाए, तो ये भी बात क्यों लिखी, अब जैसे ये वाली चीज फॉल्स हो जाएगा, क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि 20 ना तो 20 से बड़ा है, 20 ना तो 25 से बड़ा है और ना ही 25 के बराबर है, तो 20 is neither greater than 25 nor is equal to 25, तो इसलिए इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि ये जो लिखा हुआ है फॉल्स है, इसका दूसरा जो हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर इस सिंबल का नाम भी है ग्रेटर देन ना, ग्रेटर देन है, तो इस सिंबल का डुप्लीकेट वर्जन ये है हमारे पास लेस देन के हिसाब से, लेस देन और इक्वल टू, आप जैसे यहाँ इक्वल टू 7 और 7 वाली बात, तो -10 और -10 चलिए छोटा नहीं है सर, लेकिन बराबर तो है, दिस इज आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, तो इसका नाम जो होगा दैट इज लेस देन और इक्वल टू, अच्छा इसका एग्जैक्ट नाम हो गया लेस देन, ठीक है, तो उस हिसाब से 15 है ना, पढ़ने का तरीका मैं ऑलरेडी बता रहा हूं, 15 इज लेस देन 25 मैंने ऐसा कुछ लिखा होगा, तो क्या 15 25 से छोटा होता है, हाँ सर बिल्कुल छोटा होता है, ये बात ट्रू है, और वही बात अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू भी लगा देता
तो इक्वल टू हो जाए या लेस देन हो जाए, दोनों में से कोई भी हो जाए, चलिए लेस देन वाला तो पहले सेटिस्फाई कर ही रहा है, इक्वल टू वाला भी सेटिस्फाई कर जाता है, तभी ये स्टेटमेंट ट्रू मानता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ये सब बहुत सारी बातें हम लोग तो रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर भी देख लेंगे, फिर भी हल्का सा कहते हैं फ्रैक्शन के ऊपर अगर 1 लिखा है नीचे जितना बड़ा क्वांटिटी होगा वो उतना छोटा होगा, तो 1/15 नीचे बड़ा है 15 ठीक है तो उतना ही छोटा, दिस इज अ सिंपल मतलब ये है, इस इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे कि अगर x है ना y से बड़ा है ठीक है और दोनों पॉजिटिव नंबर है ना x अरे सिंबल्स तो बाद में तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया मैंने, तो कहता है अगर x y से बड़ा है तो क्वांटिटी जितनी भी बड़ी होगी वो उतनी छोटी हो जाएगी, तो x बड़ा है तो रेसिप्रोकल उसका उतना छोटा हो जाएगा, यहां पे देखें 10 15 बड़ा है 10 से तो रेसिप्रोकल नहीं है तो उल्टा हो जाएगा, तो ये छोटी सी बात है बस ध्यान रखना होगा, तो इसकी बिल्कुल सर 1/10 जो होगा वो 1/15 से बड़ा होगा ठीक है, क्योंकि नीचे बड़ा क्वांटिटी तो और छोटा हो गया क्वांटिटी, तो दिस इज आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। अच्छा सेम बात करो नेगेटिव के बारे में होता है, फिर नंबर लाइन जब हम लोग पढ़ते हैं तो इधर हमारे पास नेगेटिव क्वांटिटीज होते हैं, तो नेगेटिव क्वांटिटीज के कंपैरिजन हमें ध्यान रखना होता है नेगेटिव जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा, तो नेगेटिव का माइनस का 20 और नेगेटिव का माइनस 30, नेगेटिव अगर भूल जाए तो 20 और 30 दोनों एक दूसरे में क्या है 30 बड़ा है, तो नेगेटिव में उतना छोटा हो जाएगा, तो एकदम ये बात ट्रू लिखा हुआ है, दिस आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट ठीक है। तो आप उतारने के लिए उतारने ना बाद में मैं आपको वक्त दूंगा, फिलहाल तो आप इसको समझ नहीं पा अच्छे से, तो ये चार और थे सिंबल्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। अच्छा नाउ वी हैव दिस सिंबल्स में इसको हम कहते हैं इंप्लाइज दैट है ना, इंप्लाइज दैट, उम्मीद है आपने देखा होगा आप जब इक्वेशन यूज कर रहे होते हैं ना, इक्वेशन चला रहे होते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंप्लाइज दिस स्क्वायर उधर भेजें तो अंडर रूट 4 ठीक है। अच्छा अब सर अंडर रूट 4 तो रूट 4 2 के बराबर तो x कितना हो जाएगा, देखिए ये सिंबल यूज करो इंप्लाइज का, या फिर यहाँ पे और भी लगा सकते हैं लोग इक्वेशंस में खास कर ना दिस ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं है ना इंप्लाइज दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज दिस है ना ठीक है ऐसे करता, या फिर आइडेंटिटीज अगर आपने देखा होगा तो वहां भी इंप्लाइज वाला पार्ट लोग यूज कर लेते हैं ठीक है। अब x equals to 2 इसका आंसर सही है या नहीं है छोटा सवाल है जैसे ना रूट 4 2 के बराबर होता है या प्लस माइनस 2 के बराबर होता है, एक छोटा सवाल रूट 4 2 के बराबर होता है या प्लस माइनस 2 के बराबर होता है, अक्सर एक तो किताबों में मैंने देखा पता नहीं कहां से लिख देते हैं वो लोग चीज है ना कि रूट 4 इज प्लस माइनस 2 एकदम नहायत ही गलत बात है, स्क्वायर रूट इज ऑल्सो ऑलवेज अ पॉजिटिव रिजल्ट, स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है, रूट 4 इज ऑनली 2 तो सर किताबों में यहाँ पे प्लस माइनस टू आता है आंसर रूट 4 प्लस माइनस 2 तो एक बात जान ले वैसे मैं पॉलीनोमियल के अंदर इस बात को बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि जब भी हम लोग इवन पावर उधर ले जाते हैं और स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, लेकिन जो इवन पावर इधर ले गए हैं ना इवन पावर ठीक है तो उसके वजह से ही प्लस माइनस आता है, यानी कल को अगर हमें ऐसे एक्स स्क्वायर 4 को मैं 2 का स्क्वायर ले लूं ठीक है स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल करूं तो इवन पावर कैंसिल करने की वजह से प्लस माइनस 2 आता है ना कि स्क्वायर रूट लेने की वजह से आता है, इसीलिए बहुत सारे बच्चों को दिमाग में पता है रूट 9 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 एकदम गलत है, रूट 9 इज ओनली 3। अब इसका और क्यों ऐसा है क्या है सब बारे में जाने हम लोग बस थोड़ा सा इस जब ये इक्वेशन लिख गया तो लॉ एक छोटी सी और ये भी एक बेसिक की बात है इसको मैं डब्बे में बंद करके लिख लेंगे इस चीज को कि ये हमेशा ये प्लस माइनस इवन पावर की वजह से आता है, कल को यहाँ पर ऑड पावर होता कल को एग्जाम्पल सर एक्स क्यूब इक्वल्स टू 9 होता तो क्या तो बोलते ऐसे केस में आपको प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट क्यूब रूट ऑफ 9 हो जाएगा ठीक है x equals to cube root 9 और थोड़ा और अच्छा करो तो कल को मैं यहाँ पे 8 लिख दूँ तो ये cube root of 8 और cube root of 8 is 2 तो x equals to 2 तो odd power के साथ plus minus नहीं लगाते हैं even power के साथ plus minus लगाते हैं इसका ख्याल रखेंगे आप ना, तो बहुत बेसिक बारीकी चीज है हम लोग इसके बारे में और डीप में बात करेंगे आगे के चैप्टर्स में, आपको बेहतर दिख रहा है क्यों ऐसा हो रहा है क्या क्यों हम गलती क्यों कर रहे हैं ना, तो पहली बात ध्यान रखनी जो गलत कर रहे हैं आप वो आपसे गलती नहीं करना है ठीक है। तो एक और इसका जुड़ा हुआ है जहाँ पे दोनों तरफ से मुंह खुला हुआ रहता है इसको डबल इम्प्लीकेशन कहते हैं, डबल इम्प्लीकेशन दोनों तरफ से है ना डबल इम्प्लीकेशन ये इसका एक और एग्जैक्ट नाम है ठीक है, इफ एंड ओनली इफ भी बोल सकते हैं डबल इम्प्लीकेशन या इसको शॉर्ट में आई डबल एफ बोल देते हैं
इफ एंड ओनली पूरा नाम, ठीक है, मैं सारे सिंबल्स की लिस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करा दूंगा, सारी लिस्ट आपको दिख जाएगी, सर उतारना मत आप उस चीज़ को, वहाँ से उतार लेना, आप समझते रहो पहले बस। अच्छा इसको कहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसको यूज करने के लिए मैं आपको एक आइडेंटिटी दिखाता हूँ, ठीक है। शायद नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा ये चीज ए प्लस बी प्लस सी का, या फिर एट्थ में भी बहुत सारे टीचर पढ़ा देते हैं, ठीक है। ये ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, हाँ ठीक है। और ये रिजल्ट होते हैं ज्यादा ना यूज होगी, इससे ज्यादा रिजल्ट जो यूज होता है वो ये होता है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अगर ए बी और सी जीरो हो जाए तो इंप्लाइज जब भी इन तीनों का सम जीरो होती है, इसको हम जीरो और जीरो एवरीथिंग विल बी जीरो, यानी पूरी क्वांटिटी जीरो ले जाएगी, तो माइनस थ्री ए बी सी को इधर लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमेशा थ्री ए बी सी के बराबर होगा, कब, जब ए प्लस बी प्लस सी ना वो जीरो हो जाए। अब आपसे एक बात कहते हैं, ये डबल इंप्लीकेशन दोनों तरफ से चल रहा होता है, जहां पे ऐसा हो रहा होता है वहां पे ऐसा भी हो रहा होता है, मतलब दिस इंप्लाइज दिस एंड दिस आल्सो इंप्लाइज दिस, दोनों तरफ से बात ट्रू है। हर बार ऐसा नहीं होता कि भाई जैसे आप एक छोटी सी बात भी देख सकते हैं, अगर x इक्वल्स टू y है एंड y इक्वल्स टू z है ना, तो आप ऐसा तो बोल सकते हैं ना सर, इंप्लाइज x इक्वल्स टू z, x y के बराबर y z के बराबर, ठीक है, यहां पे इंप्लाइज, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि डबल इंटीग्रेशन दोनों तरफ से पार्ट करो, इधर से भी और इधर से भी, यहां अगर एक चीज लिखी हुई तो ये इसको अप्लाई करेंगे, यानी ऐसा पॉसिबल है, सतर्क कल को अगर ऐसा हो रहा हो तो ऐसा जरूर हो रहा होगा, ठीक है, तो इसको डबल इंटीग्रेशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो सर्टेन सिंबल्स है उसका लेना देना सेट्स के साथ है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा सेट्स पढ़ाऊंगा आपको, है ना, 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन उससे हटके जो सिंबल्स है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा ना, जैसे फॉर एवरी या फॉर ऑल, ना ये उल्टा है, फॉर ऑल या एवरी भी बोल सकते हैं, फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ, जैसे एग्जांपल तौर पे कोई इक्वेशन लिखा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, तो ये एक सिंबल है बिलोंग्स टू, इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा सा सेट्स जाने उसके बाद ही जानेंगे इस सिंबल के बारे में, तो ये कल को पूरा निर्जी इतना होता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट, है ना, या एक्स बिलोंग्स टू, ना इस सिंबल को हम लोग यूज कर लेते हैं ना फॉर ऑल, ठीक है, उल्टा है अच्छे से यूज कर लेता टीचर। अच्छा ये एक सिंबल है तो थोड़ा इन्फिनिटी की तरफ लगता है हल्का हल्का सा, है ना, जिसको हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन बोलते हैं ना, ऐसे दिस इज प्रोपोर्शनल टू, भी आप फिजिक्स में देखते होंगे ना प्रोपोर्शनल टू, जैसे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, है ना, ऐसा करके लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं जब वन अपॉन में आ जाए, ठीक है। अच्छा देयर एग्जिस्ट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी अंग्रेजी का वर्ड है, सिंबल्स में हम लोग यूज कर लेते हैं देयर एग्जिस्ट, है ना, देयर एग्जिस्ट ये बहुत कम यूज होता है फिर भी, और इसी को अगर हम लोग ऑपरेशन करते हैं बीच से काट दे, ठीक है, तो देयर डज यहां से काट दे इस तरह से, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नंबर सच दैट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे करके, ठीक है। तो यहां तक कुछ उतारना हो आपको तो उतार लीजिए, तो फर्दर और सिंबल है तो मैं यहाँ पे भी लिख लूंगा आपके लिए, ना, तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक जो कुछ उतारना होगा बड़े आराम से टॉपिक डाल के बोल्ड मार्क्स, उसके बाद सिंबल्स, है ना, अभी सिंबल्स और एलिब्रेट करेंगे और आगे तक पढ़ेंगे हम सिंबल्स के बारे में, तो वीडियो को पॉज करके यहाँ जो कुछ उतारना बता दीजिए जो मैंने तैयार करके रखा हुआ है बस समझाने के लिए ताकि टाइम बच जाए हमारा। सच दैट ना शॉर्ट में सच दैट एस डॉट टी लिखते हैं ना, सच दैट यहाँ पे अंग्रेजी में लिखना होता for all values of x such that, है ना, तो उसको हम शॉर्ट में एसटी करके लिख देते हैं, बहुत कम रेयर यूज होता है, लेकिन हाँ ये शायद आपको आर्टिकल में भी दिख जाए कि a पाइप b, है ना, सिंबल का नाम है पाइप, इसको हम लोग पाइप बोलते हैं पी आई पी, है ना, पी आई पी, तो a पाइप b यानी a इज अ डिवाइजर ऑफ b, एग्जांपल के तौर पर कल हमारे ऐसा लिखा होगा 2 पाइप 4, है ना, तो 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 4, सही बात है, 2 4 को काट देगा तो 2 इज अ डिवाइजर ऑफ 4, है ना, तो उल्टा है ना, डिवाइजर ऑफ बी मतलब बी यहाँ लिखा हुआ है, यानी जो नंबर है वो बड़ा ऑब्वियस बात है डिवाइजर होगा, तो जो नंबर इसका वगैरह ऐसे लिखा होता 4 इज अ डिवाइजर
a is a divisor of any 4 is a divisor of 12 एकदम बात सही है 12 का एक डिवाइजर डिवाइजर को या फैक्टर को उम्मीद आपको पता होगा लेकिन कल को अगर मान लीजिए बीच में हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये a is not a divisor of b तो एग्जांपल के तौर पे कल को मान लीजिए जैसे लिखा होता 3 not a divisor of 4 तो एकदम बात सही है तो 3 4 का डिवाइजर होता ही नहीं है ठीक है तो इस तरह से सिंबल आपको यूज हो सकता है एक और सिंबल इसको मॉड बोलते हैं ना मॉड इसका सही नाम मॉडुलो है ना शॉर्ट में मॉड बोल देते हैं यानी कल को अगर ऐसे लिखा हो 5 मॉड 3 इज इक्वल्स टू 2 तो इसका ये मतलब होता है रिमाइंडर ना तो ये शॉर्ट में रिमाइंडर के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं ना कल को ऐसे लिखा हो 5 मॉड 3 इज 2 एकदम बात सही है 5 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो आएगा तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 5 इज डिवाइडेड बाय 3 तो ऐसे सिंबल कल को अगर यूज हो जाए तो आपको पता होना चाहिए अच्छा कुछ ज्योमेट्री के सिंबल है उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं है इसको हम लोग पैरेलल के लिए यूज करते हैं इसको हम लोग परपेंडिकुलर के लिए यूज करते हैं कुछ और ज्योमेट्री के सिंबल जैसे ये 9th क्लास में या 7th में पढ़ के आया होंगे कॉन्ग्रुएंट टू ना ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये वाला सिंबल यूज करते हैं 10th क्लास में आप आकर पढ़ोगे इसके बारे में सिमिलर टू ना सिमिलर टू This triangle is similar to this triangle. जाने के definition बहुत अच्छे से बस इसका घुमाव का एक जैसा लेना देना है अच्छा कुछ और सिंबल है मैथमेटिकल सिंबल जैसे ये इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी इज ऑल्सो नंबर है ना जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता है इन्फिनिटी वो सबसे बड़ा नंबर बनता है अगर पॉजिटिव में तो आगे कुछ नहीं लिखा तो पॉजिटिव लेकिन आगे हम ऐसे करके लगाते हैं दिस इज माइनस इन्फिनिटी है ना माइनस इन्फिनिटी सबसे छोटा नंबर जो है दैट इज माइनस इन्फिनिटी सबसे बड़ा नंबर इज प्लस इन्फिनिटी इसका सिंबल और प्रोपोर्शनल का सिंबल एक जैसा लगता है बिल्कुल नहीं उसका मुंह आगे से बंद रहता है इसका मुंह आगे से ओपन रहता है तो कुछ लोग जल्दीबाजी में सिंबल सेम बना लेते हैं इसका आपको ख्याल रखना है ठीक है अच्छा नॉन नेक्स्ट वी हैव पाई है ना तो इसके बारे में सुननी तो पता होगा ना पाई इज अ कांस्टेंट है ना ये कांस्टेंट है जो जनरेट होता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल है ना सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल डिवाइडेड बाय इट्स डायमीटर उसी सर्किल के डायमीटर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक कांस्टेंट जनरेट होता है उसको हम लोग पाई बोलते हैं है ना अच्छा ये शायद इसके बाद आप थोड़ा नया होंगे इसको हम लोग यूनिट्स की एप्रोक्सीमेट वैल्यू शायद पता है ना 3.141592 एंड सो ऑन ऐसे चलता रहता है तो इसके बारे में जानेंगे दिस इज यूलर्स कांस्टेंट कभी कभी नैपियर्स कांस्टेंट भी बोल देते हैं इसको ना यूलर्स कांस्टेंट जब लॉग पढ़ाऊंगा आपको तो लॉगरिथम पढ़ाऊंगा मैं उस वक्त इसके बारे में जानेंगे हम लोग इसकी भी वैल्यू होती है ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूं मैं 2.718 शायद ना ऐसे चलता रहता तो लॉग में देखेंगे ये क्या है इसके बारे में एग्जैक्ट डेफिनेशन भी जान जाएंगे अच्छा ये दो बड़ा कंफ्यूजिंग सिंबल होता है मेरे को अपने क्लास टेन में तो 9 में बहुत कंफ्यूजन होता था इस सिंबल को मैं बहुत रेयर यूज करता था मैं तो पूरा लिख दिया करता था अंग्रेजी में ना दिस इज देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ देयरफॉर और बिकॉज है ना बिकॉज इस सिंस बोल देते हैं ठीक है तो therefore ये this is therefore and this is since या because है ना since या because याद करने का तरीका t for therefore और t for triangle मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ तो triangle कैसे गिरा usually जो हम लोग triangle बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं ऊपर चोच निकला होता है एक बार बच्चों ना सराम तो triangle ऐसे बनाते हैं बेटा उल्टा पैदा हुआ होगा तो ऐसे बनाता होगा triangle हमेशा यूजफुल ना एक नॉर्मल इंसान ट्रायंगल जब भी बनाना हो तो ऐसे बनाता है तो ट्रायंगल 1 2 3 अगर मुंह ऐसे बन रहा है ट्रायंगल का तो टी फॉर ट्रायंगल टी फॉर देयर फॉर ऐसे याद किया हुआ है और दूसरा अपने आप सिंस हो जाएगा ना उम्मीद करते हैं इसको तो यूज करने आपको आता होगा तो ये सिंबल्स है दो और बड़े जाने माने सिंबल्स है जिसके बारे में मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा वैसे भी सेट वाले सिंबल्स मैं आपको बीच में जो यूज करूंगा मैं belongs to not, belongs to set या फिर जो भी चीज़ है उसके बारे में जानेंगे पहले दो और सिंबल हैं जरा उसको जान जाते हैं ये ऐसे है ना m जैसा उल्टा m जैसा लिखा हुआ इस सिंबल का नाम है सिग्मा ये सिग्मा है लेकिन जो ये काम करता है वो समेशन का काम करता है अगर स्टैट्स आपने पढ़ा होगा शायद लोअर क्लासेस में यूज करते हैं टीचर 9th 10th में तो मैं यूज करूंगा इस सिंबल को बहुत अच्छे से और 11th 12th में पीछा नहीं छोड़ेगा आपको ये काम करता है समेशन का काम का मतलब ऐसा समझ लो मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं यहां पे मान लीजिए समेशन मैंने ऐसे लिखा ए आई और आई इक्वल्स टू 1 से लेकर 5 तक तो इसको हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं ये सबसे नीचे है तो दिस इज लोअर लिमिट और ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं अपर लिमिट है ना यूएल शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इसका मतलब क्या होगा ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल हर बार वैरी करेगा इस लिमिट से लेकर इस लिमिट तक
इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा ना बहुत अच्छे से, स्टैट्स के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, टेंथ वालों को तो एटी के अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूँ बहुत अच्छे से ना, नाइन्थ में आपको स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत अच्छे से दिख जाएगा ये वाला चीज है ना। तो ये जैसे ये सिंबल जो वैरी कर रहा है ना, ये वैरी कर रहा वन से ना, तो वन से लेकर पांच तक और बीच में जितने भी नेचुरल नंबर आने उन्हीं को लेना है, डेसिमल वाला नहीं लेना है। तो वन से शुरू करेंगे, तो हमने वन से शुरू किया वन, वन के बाद अगला नंबर किसका आएगा टू, टू के बाद किसका आएगा थ्री, थ्री के बाद किसका आएगा फोर, फोर के बाद किसका आएगा फाइव। इस तरह से हम एक से लेकर यहाँ तक चले जाएंगे जहां तक लोअर से अपर लिमिट तक। अच्छा अभी सिग्मा क्या करेगा, बीच में ना ये प्लस का साइन लगा दिया जाएगा, यही काम करता है बस समेशन के। उतना बड़ा सा चीज को हम इतने शॉर्ट में लिख सकते हैं। और यही और सिंबल होता है जिसको हम लोग पाई बोलते हैं, बिल्कुल पाई जैसा दिखता है लेकिन थोड़ा बड़ा होता है ये, है ना, है ना, इस सिंबल का नाम है पाई, है ना। और लेकिन ये काम करता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट का। ये कैसा बवाल है सर, कंटिन्यूड प्रोडक्ट होता है बेसिकली क्या है, कल को मान लीजिए यही सिंबल लिखूं मैं ए आई, आई इक्वल्स टू वन से लेकर पांच, तो ये जो बीच में प्लस लगा रहा था ये बहन जी बीच में ना प्रोडक्ट लगा देंगे, ए वन इंटू ए टू इंटू ए थ्री इंटू ए फोर इंटू ए फाइव। इतना बड़ा सा प्रोडक्ट लिखना होता उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इस सिंबल को यूज करके, ठीक है। तो काफी कुछ सिंबल्स में जान गए अभी हम लोग। अभी एक तो ब्रैकेट्स के बारे में, ब्रैकेट्स के बारे में अच्छे से जानना उन लोगों को, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रैकेट्स, है ना, तो ब्रैकेट भी हमारे सिंबल की तरह यूज होंगे। और सेट्स वाले जो ब्रैकेट्स हैं, सेट्स वाले जो सिंबल्स हैं उसको भी पढ़ेंगे। तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक जो कुछ उतारना आपको बता दीजिए, है ना। जो मैंने लिस्ट दिया है उस लिस्ट में आपको शायद दिख रहा होगा कुछ सिंबल्स रह गए हैं, उस सिंबल्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। छोटा सा टॉपिक है सेट थ्योरी, है ना, सेट थ्योरी क्लास लेवल में पहला चैप्टर पढ़ता है सेट थ्योरी, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का जानते हैं सेट्स के बारे में। कहते हैं सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफिनेशन के हिसाब से चीजों को अगर आपने कलेक्ट करके रखा ना तो वेल डिफाइंड कलेक्शन बोल दो आप, वेल डिफाइंड कलेक्शन। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखूंगा नेचुरल नंबर इन इन दिस इक्विवेलेंट टू, ऐसे लिखूं या डॉट डॉट डॉट, अच्छा डॉट 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 तीन डॉट अगर लिखे हों ये भी अपना सिग्निफिकेशन होता है, इसको हम बोलते हैं एंड सो ऑन। कुछ लोग भावनाओं में बह के बहुत सारे डॉट लगा देते हैं लेकिन वो लिखना अलग है, तीन डॉट सोन एंड सोन जैसा चल रहा पैटर्न उस पैटर्न पर आगे चलते रहो, है ना। तो नेचुरल नंबर लिखूं, होल नंबर लिखूं, है ना, जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो ये जो मैंने कलेक्शन बनाया दे आर वेरी डिफाइंड डिफिनेशन कि भाई आपको सारे क्वांटिटी नंबर उठाने हैं, आपको सारे क्वांटिटी नंबर अलॉन्ग विद जीरो उठाने हैं, ठीक है। या मैं कल को लिखूं एक ऐसे करके मैंने सेट लिखा दिया ए ई आई ओ यू, है ना, तो मैंने क्या किया सारे वॉवल्स का कलेक्शन बना दिया, ठीक है। जैसा मैं सारे कॉन्सोनेंट का कलेक्शन बना सकता हूँ, सारे रिवर्स ऑफ इंडिया का कलेक्शन बना दूं, ठीक है। इसको हम लोग वेरी डिफाइंड डेफिनेशन में, तो सर कौन सा ऐसा है जो सेट नहीं होगा जहां पे वेरी डिफाइंड डेफिनेशन नहीं चल पाएगा, जैसे मैं कहूँ कि फॉर्म अ सेट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास, इस क्लास में सारे बेस्ट स्टूडेंट का एक सेट बनाइए, तो आप लोग सर बेस्ट किस हिसाब से, खेलने के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से, किस हिसाब से आप बेस्ट, तो बेस्ट का एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं आएगा। The great mathematician in the history of India, great के बारे में किस हिसाब से आप great बोलेंगे सर, किसी बंदे ने अगर डिवीजन का आविष्कार किया, किसी बंदे ने न्यूटन का आविष्कार किया, किसी बंदे ने नए नए थ्योरी दिए, तो किसको ग्रेट मानेंगे आप, द ग्रेट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो किसको आप ग्रेट मानेंगे। इसलिए ऐसे डेफिनेशन को हम लोग सेट्स में काउंट नहीं करते हैं। तो ठीक है सर, एक एग्जाम्पल हम लोग अपने से रैंडम एक सेट मान लेते हैं। अच्छा सेट को हम लोग अक्सर कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और उसको सेपरेट करते हैं कॉमा के साथ, ये सेट को लिखने का तरीका है। इसलिए एक सिंबल है ये वाला जिसको हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट, इसके अलावा तो और सिंबल नहीं आना चाहिए, दिस रिप्रेजेंट सेट। तो हर जगह हर सिंबल का अपना अलग अलग मतलब भी हो सकता है, जैसे इसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट को हम लोग तो ब्रैकेट के फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं सर। तो बिल्कुल जब भी सिंबल्स में है, अभी इस कर्ली ब्रैकेट को हम लोग क्लास 11 में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में जाके यूज करेंगे, अब ये नया चीज आ जाएगा। आप ये जो सिंबल पढ़ते हो बी ब्रैकेट, इसको हम लोग जाके कंसंट्रेशन टाइम्स 9th क्लास में कंसंट्रेशन को यूज बनाने के लिए यूज करेंगे। तो हर जगह अपना अलग अलग मतलब भी हो सकता है जो आप सिंबल्स पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जब भी जो मतलब के लिए यूज होगा सिंबल, आपको टीचर उस वक्त या फिर आपका एग्जामिनर जो आपके एग्जाम में सवाल अगर आया है तो जरूर बताता है कि ये सिंबल वहां पे क्या सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट अ सेट, सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन, हमेशा कर्ली ब्रैकेट में सेपरेटेड बाय कॉमा,
याद रखें शायद लिख देना रिप्रेजेंटेशन। अच्छा दो रिप्रेजेंटेशन तब तक डीप में नहीं जा रहा, बस थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आपको दे रहा हूँ। अब मान लीजिए एक सेट मैंने ऐसा लिखा है ना, 2, 3, 7, 11, 15, क्योंकि जो सिंबल्स वहां पर यूज हुए उस सिंबल्स के लिए मैं इस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मैं अगर आपसे बोलूं इसके अंदर जो ये है ना, इस सबको मैं एलिमेंट्स बोलते हैं, एलिमेंट्स या एंट्रीज या मेंबर्स भी बोल सकते हैं, जो अंदर लिखे हुए हैं दे आर एलिमेंट्स या एंट्रीज या इसको हम लोग मेंबर्स भी बोल देते हैं। तो अगर एलिमेंट इस सेट में आ रहा है, जैसे दो इस ए के अंदर आ रहा है, उनका को कैसे बोले टू बिलोंग्स टू, तो दिस सिंबल इज नोन एज बिलोंग्स टू, यानी मतलब ये हुआ क्या दो ए के अंदर आ रहा था पूरा का सेट, क्या 11 ए के अंदर आ रहा है सर, हाँ बिल्कुल 11% है सर, ये बात एकदम सही है। क्या 20 ए के अंदर आ रहा है, वरना सर ये तो गलत है, 20 तो यहाँ परसेंट है ही नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ 20 बिलोंग्स टू ए तो गलत बोल रहा हूँ क्योंकि है ही नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलता 20 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बीच में ऑपरेशन कर दिया, तो ये सिंबल का नाम है डज नॉट बिलोंग्स टू, बीच से काट दें, तो हम चेक करते हैं क्या 20 इसके अंदर है, नहीं है सर, तो बिल्कुल ये बात सही है, अगला सिंबल जो है जो आपको लिस्ट किया गया है वो है आपका यूनियन, है ना। एक तो यूनियन से पहले जरा सबसेट पढ़ लेते हैं, सबसेट है ना, सबसेट का सिंबल ये होगा आपके उसमें लिखा हुआ, ठीक है। और नॉट अ सबसेट, नॉट अ सबसेट उसका सिंबल ये बना होगा ना, बीच में काट दिया गया होगा, ऐसे लंबा खींचाएगा और इसको काट दिया गया, हम ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो जब इसको समझने के छोटा सा एग्जांपल एक सेट बी मान लेते हैं, सेट बी मान लिया मैंने, ऐसा दिया हुआ सेट बी सर 1, 2, 3, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, 3 एलिमेंट इसके अंदर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इससे कितने सेट बना सकते हो, आपको तब पता कि सेट बना सकते सर, एक 1, 2 उठा लिया या 1 और 3 उठा लिया, 1 और सिर्फ 1 उठा लिया है ना, सिंगल, इसको सिंगल सेट इस तरह का बोलते हैं। तो ये जो जो भी सेट बनाए गए हैं वो इन्हीं के एलिमेंट से बनाए गए हैं, तो ये सब के सब ना, और भी एग्जांपल आ सकते हैं, सब के सब को हम सबसेट ऑफ बी, यानी ये बी के ही सेट बनाए गए, सबसेट ऑफ बी, बी से ही बने हैं ये सेट, इसको हम लोग सबसेट बोलते हैं। कल भी ये सेम बन गया है, कल भी तीनों में से सिर्फ तीन उठा लेता था, तीन उठा लेता तब भी ये सबसेट हो जाता, सर इनमें से कोई सा भी ना उठाते तो बोला हाँ सर उसको हम लोग 5 मानते हैं, अच्छा एक सिंबल भी आप नया सीख जाएंगे, इसको हम लोग 5 बोलते हैं, पी एच आई है ना, 5 है ना, तो इस सिंबल का नाम है 5। आप नीचे और भी लिस्ट देख रहे हो सम ग्रीक सिंबल, तो ग्रीक सिंबल्स भी मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करा दूंगा। तो ये सिंबल क्या होता है, ये बेसिकली ना दिस रिप्रेजेंट नल सेट, ये नल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, नल बोले या वॉइड बोले, ये लिखूं या कल को मैं ऐसे लिखूं करली ब्रैकेट ऐसे करके छोड़ दूं और अंदर कुछ नहीं लिखा हूं, तब करली ब्रैकेट एक सेट को रिप्रेजेंट करता हूं, अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, इसका ये मतलब है कि एक भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ रहा है, यानी कल को कोई ऐसा इक्वेशन हो जिसका एक भी आंसर ना आ रहा हो, देयर इज नो आंसर, शॉर्ट में सिर्फ ये लिख दूं द आंसर इज 5, मतलब एक भी आंसर इज इंपॉसिबल नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे बोलूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो बताओ x belongs to real number, देखिए r for real number ये सब आप जानते हैं पहले से, belongs to मतलब आप सिर्फ real number ले, अब आप मेरे को कोई ऐसा real number बताइए जिसका मैं square करूँ और वो negative आ जाए, कोई इसका भी number, 1 लो 1 का square plus 1, minus 1 लो minus 1 का square plus 1, तो कोई भी real number कभी square negative आएगा, तो यहाँ पे ऐसा कहना कि यहाँ पे x belongs to 5, यानी x का कोई भी answer नहीं होगा, यानी ऐसा बोलो belongs ना बोलता वैसे बोलो x belong equals to 5, यानी एक भी आंसर यहाँ पे पॉसिबल नहीं। और ये कहते हैं कि 5 भी हमेशा हर सेट का सबसेट होता है, एक भी एलिमेंट ना होता हो तब भी वो उसका सबसेट होता है। अब कल को मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता 3, 4
और बोलता क्या ये इसका सबसेट है, तो सर तीन तो एलिमेंट आ रहा है लेकिन चार तो परसेंट है ही नहीं, तो जितने भी इसके एलिमेंट हो इसी में सोचने चाहिए, लेकिन एक चार तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया था। बोले ना सर ये तो सबसेट है, ये सबसेट नहीं है ना, ये सबसेट नहीं है, तो इस बीच से काट देंगे, दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ये बात एकदम सही है। तो कल को मान लीजिए सब बोल दूंगा सर एक दो तीन सब, और फिर से मैं चाहते हैं तो अभी भी इसको आप बीच से काट देंगे है ना, बीच से काट देंगे तो ये इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो इसके बारे में आपको सबसेट और नॉट अ सबसेट इसके बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। अच्छा दो सिंबल और है तो उसको भी जान जाते हैं हम लोग, एक का नाम है यूनियन और दूसरे का नाम है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। ये सब मैं काम यूज करता हूँ आपके नाइन टेंथ वाले पार्ट में यूज करता रहूंगा, इसलिए अभी से जान जाए तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। यूनियन को हम लोग दिखाते हैं ये यू की जैसा बना होता है, याद करने का भी तरीका, इंटरसेक्शन इसका उल्टा मुंह उलट देगा, तो यूनियन और इंटरसेक्शन। सर यूनियन कब यूज करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर ये रहा आपका सेट ए और ये रहा आपका सेट बी है ना, मैं मार्क कर देता हूँ सेट ए और सेट बी, ये रहा आपका सेट ए, इधर से खुला रहेगा, ये रहा सेट बी। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि ए यूनियन बी बताइए क्या होगा, तो यूनियन इसलिए करता क्या है, जितने भी एलिमेंट्स यहां यूज हुए या यहां यूज हुए, जो जो एलिमेंट आ गए दो बार एलिमेंट सेट्स में लोग रिपीट नहीं करते हैं, इसका भी ध्यान रखना, जैसे दो यहां पे आया दो यहां पे आया उसको दो बार नहीं लिखना आपने। अच्छा एक भी आया सर, हाँ सर एक भी आया, ठीक है यहाँ पे एक भी आया, यहाँ से एक दो तीन आया तो आपने एक दो तीन लिख दिया, अब यहाँ पे दो और तीन ऑलरेडी काउंट हो चुका था दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, बचा क्या सात ग्यारह पंद्रह, तो सात ग्यारह पंद्रह, तो दो सेट का यूनियन अगर लेना कहे कि भाई दो सेट का यूनियन लीजिए तो उसमें क्या करना है, कॉमन एलिमेंट लिखना है, जो कॉमन सॉरी जो जो एलिमेंट आ रहा है वो सबको उतार देना, दो बार रिपीट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो सर व्हाट इज इंटरसेक्शन, जब इंटरसेक्शन बोला जाए कि सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी, तो अब बताइए क्या है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग करते क्या है, जो जो कॉमन एलिमेंट अभी क्या जितने एलिमेंट आए दिस और दिस, इसके एलिमेंट और, जैसे ये यूनियन ना और को रिप्रेजेंट करता है, इधर से आ जाओ या इधर से आ जाओ, इंटरसेक्शन जो ना वो एंड को रिप्रेजेंट करता है, यहां से साथ ही साथ यहां से दोनों जगह वो एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। अब आप देखिए इन दोनों में कॉमन कौन सा, दो और तीन यहां भी है दो और तीन यहां भी, उसके अलावा और कोई कॉमन नहीं, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो बन जाएगा वो दो कॉमा तीन बन जाएगा। तो यूनियन में सारे एलिमेंट जो जो आगे सबको ले लो, इंटरसेक्शन में जो जो कॉमन आ जाए उसको से ले लो, ठीक है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में आपको बताना चाहिए, तो ये इस तरह से हम लोग सिंबल्स के बारे में काफी कुछ जान गए, और उसके अलावा नीचे ना कुछ ग्रीक सिंबल्स दे रखे हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं जो अक्सर हम लोग यूज कर लेते हैं, जैसे हम लोग अल्फा है ना, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ये हम लोग यूजुअली रूट्स या जीरोस वगैरह जब हम लोग लिखते हैं ना क्वाड्रेटिक के अंदर या पॉलीनोमियल चैप्टर के अंदर, तो ये सिंबल्स है रूट्स को सिग्निफाई करने, जैसे थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग थीटा यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन आप डरे भी नहीं, दे आर जस्ट रिप्रेजेंटेशन, आपको एंगल को 30 डिग्री 20 डिग्री 15 डिग्री बार बार लिखने से बढ़िया जल्दी अगर हमें एंगल लिखना तो हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन करता हूँ एंगल को अल्फा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि फिक्स है, यूजुअली हम लोग ऐसे कर देते हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो घबराना नहीं, जो भी आपको ग्रीक सिंबल्स दे रखे हैं, ठीक है, उन ग्रीक सिंबल्स जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा भी हम लोग यूज कर लेते हैं, डेल्टा भी हम लोग एंगल्स के लिए यूज कर लेते हैं, इनको एंगल्स के लिए भी यूज करते हैं, अलग अलग जगह पे भी यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग रूट्स या जीरोस को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं ना, नाम तो ऑलरेडी मैं आपको दिखा रहा हूँ थीटा। अच्छा आयोटा, अच्छा आयोटा के बारे में ना, आयोटा के बारे में हम लोग पूरा नंबर सिस्टम के अंदर जान चुके हैं या फिर जानेंगे भी है ना, आयोटा जब पढ़े तब, ठीक है। और बाकी पाई के बारे में पता ही आपको है ना, रो है ना, रो रो सिंपल क्लास टेंथ में आप फिजिक्स के अंदर आ जाएगा आपको ना, जब आप रेजिस्टिविटी वगैरह पढ़ रहे होंगे, तो दे आर जस्ट नोटेशंस, ये हम लोग यूज कर लेते हैं कहीं कहीं पे कि इस हिसाब से हम लोग इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जा सकता है। ग्रीक सिंबल्स का नाम पता होना चाहिए कि टीचर जो नाम बोल रहा है वो आपको पता है, तो बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसा देखा है कि वो डर जाते हैं कि अल्फा बीटा गामा ये क्या है सर, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं, बस ये नोटेशन है, जब आएगा तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, टिल देन आप यहां तक जो कुछ भी उतारना आप उतार लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको जरा आगे बढ़ते हैं।
आज का एक और लास्ट टॉपिक इसको देख लेते हैं ना, इंटरवल्स की सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रैकेट ना। इंटरवल्स के बारे में अगर हम बात करें तो जानेंगे थोड़ा सा हल्का इस 11th इस टॉपिक को सेट थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं हम लोग, है ना। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रैकेट्स इन ब्रैकेट जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तीन ब्रैकेट देखा होगा आपने, एक ये और एक ये, ना। आप इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते थे, इसको बिग या स्क्वायर भी बोलते थे ना, स्क्वायर, इसको आप मिडिल या कर्ली ब्रैकेट बोलते थे ना, मिडिल या कर्ली। लेकिन इसके कुछ और नाम भी है जो क्लास 11th में जाकर और फर्दर ऐड हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो इस जैसे इसका नाम रॉन्ड है ना, रॉन्ड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस है ना, पैरेंथेसिस या मोस्ट कॉमनली ओपन ब्रैकेट, ये भी इसका नाम हो सकता है, ठीक है। क्यों नाम रखा गया ओपन या हम लोग जानेंगे इसके बारे में, इससे दिख रहा है बिग स्क्वायर में यूज होगा। इसका एक और नाम है जो आगे जाके यूज हो जाएगा, दैट इज क्लोज ब्रैकेट। और इसका एक और नाम इसको हम लोग शॉर्ट में ब्रेसेस भी बोल देते हैं। अब जो ब्रैकेट का आप यूज करते हो, वर्ड मास भी यूज करते हो, इसका अपना इंटरवल्स के लिए भी इसका यूज हो सकता है ना, सिग्निफिकेंस की जरूरत यहां भी पड़ सकती है, देखते हैं कैसे है। अब इस बात को समझने के लिए है ना, जरा एक और नोटेशन भी आप यूज करेंगे ना, डबल इनइक्वालिटी करके कॉन्सेप्ट है, उसको भी थोड़ा सा जानेंगे आप इस एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कल को आपको नोट में आपको शीट में दिख जाएगा ना वो चीजें ए और बी के टर्म्स में कैसे लिखी जा सकती है। जैसे मान लीजिए कल को आपने नंबर लाइन लिया, नंबर लाइन पे आपको दो और एग्जांपल पे आपको पांच मिलते हैं ना, दो और पांच, दो और पांच के बीच में आपसे पूछो मैं कितने रियल नंबर है, आप बोलोगे इनफाइनाइट। मैं बोलो कितने इंटीजर है, आप बोलोगे सिर्फ दो तीन और चार। लेकिन यूजुअली हम बात यहाँ कर रहे हैं रियल नंबर के साथ, है ना, और उम्मीद है थोड़ा सा आप इतना जानते होंगे बिटवीन टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर, या बिटवीन टू रेशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो मैं रेशनल रेशनल दोनों में कॉल कर रहा हूँ रियल नंबर के अंदर, बहुत अच्छे से जानते होंगे आप, ठीक है। अब दो और तीन के बीच में कल को अगर मैं ऐसे बोलूं कि दो और तीन दोनों को लेना है, ठीक है, दोनों को लेना है और बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं सबको लेना है, ठीक है। तो इस चीज को ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो इस चीज को ब्रैकेट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, x belongs to, belongs to मतलब कहां से कहां तक, ये x वेरिएबल नाम दे दिया x, कहां से कहां तक सर, दो से लेकर पांच, लेकिन दो को भी लेना है और पांच को भी लेना है, तो इसको हम लोग क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा कल को मान लीजिए इस चीज को ऐसे लिखा हो सर कि दो और पांच, और यहां ऐसा बोला जाए कि दो को नहीं लेना है, पांच को भी नहीं लेना और बीच वाले सबको ले लेना है, ठीक है। उसको ब्रैकेट के फॉर्म में आप इसको ओपन ब्रैकेट या ओपन करके या ऐसे ओपन करके लिखा पाओ तो इसको ओपन ब्रैकेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे सेम चीज है ना, कल को ऐसे भी लिखा जा सकता, मुंह ओपन, मुंह केयरली बेचारा ऐसे करके मुंह गिरा दे, तब भी ये सेम रिप्रेजेंटेशन होता है। बहुत कम किताबों में ऐसा लिखा हुआ मिलता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए ऐसे लिखूं ऐसे लिखो बात एक ही होगा, ठीक है। अच्छा एक और रिप्रेजेंटेशन को जानने से पहले क्यों ना सर इसका तो लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन देख लिए, इसका इनइक्वालिटी फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा ग्रेटर देन और लेस देन के हिसाब से। तो ये x को कल को मैं बोलूं x ना दो से बड़ा है और पांच से छोटा है, और दो और पांच दोनों हम ले सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया। अब इसको हम लोग बोलते हैं डबल इनइक्वालिटी, दोनों तरफ से आप इसको पढ़ने का तरीका, दोनों तरफ से इनइक्वालिटी, दोनों तरफ से ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल चल रहा है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं ऐसे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन और इक्वल टू 5, लेस देन और इक्वल टू 5 पढ़ने का तरीका ठीक है। सेम पोज यहां भी कर होगा, इसको डबल इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना चाहे तो 2 और 5 यहां भी है, लेकिन 2 को नहीं लेना 5 को भी नहीं लेना, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, x इज ग्रेटर देन 2, आप इस बातें लिख लेंगे ना यहाँ पे, मैं हर चीजें मैं लिख कर लिखवा ले रहा हूँ, x greater than 2 but less than 5, ठीक है। अच्छा कल को ऐसा भी तो केस हो सकता है सर कि आपने नंबर लाइन पे 2 और 5 लिया और सिर्फ 2 और 5 ही उसका आंसर हो, बीच वाले एक भी नहीं देना है, सिर्फ 2 और 5, इसको हम लोग ऐसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसको इस फॉर्म में लिखना हो तो x equals to आ जाता 2.5, कहेंगे x equals to 2 और x equals to 5, ऐसे भी लिखा हो सकता है। लेकिन कल को इसको curly bracket में लिखना चाहे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x belongs to curly bracket 2.5, यानी एक सेट जो 2 और 5 को मिलके से बना हो वही इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो
इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को तीन फॉर्म में, नंबर लाइन, इनइक्वालिटी फॉर्म या फिर ब्रैकेट के फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब इस ब्रैकेट का मतलब ये है, दो और पांच के बीच जितने भी दिया नंबर आ रहा है सबको लेना है, दो को भी लेना है और पांच को भी लेना है। इन दोनों का मिक्सचर एक दो और अंदाज बनाया जा सकता है। मान लीजिए कल को एग्जाम्पल ऐसे लिखा होता, क्लोज दो ओपन पांच, तो क्या मतलब होगा? तो इसको, इसका मतलब ये होता, दो को तो लेना है पांच को नहीं लेना, और दो और पांच के बीच में जितने आ रहे सबको लेना। मतलब नंबर लाइन का अगर हम लिखना चाहें इसको, तो दो और पांच, दो को तो लेना है, दो पे क्लोज लगा हुआ है, लेना है, पांच को नहीं लेना है, तो उसको हम ओपन कर देंगे, ओपन है, इस तरह से खुला रहेगा, और बीच वाले सारे लेने से इसको बीच में डाल कर देंगे, ये रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। या कल को सर मान लीजिए ये रिप्रेजेंटेशन अगर लिखा हो तो दो पांच, पांच पे क्लोज और इधर ओपन कर दिया जाए, तो यहां मतलब दो और पांच, दो पे ओपन यानी इक्वल टू नहीं लगेगा, लेकिन पांच पे क्लोज है यानी यहाँ पे इक्वल टू लगेगा। और इसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये रहा हमारा दो, ये रहा हमारा पांच, पांच को लेना है, दो को नहीं लेना है, तो ओपन करके और बीच वाले सारे लेने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अब इस नंबर लाइन के रिप्रेजेंटेशन में कहीं कहीं इंफिनिटी आ सकता है। अब इसको कल को मैं ए और बी के टर्म्स में लिख सकता हूँ, जो आपको पूरा मैं यहाँ शीट के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, ठीक है। ए और बी के टर्म्स में भी इसी रिप्रेजेंटेशन को लिखा जा सकता है, तो जो बात मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ए और बी के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे हम इसको इन्फिनिटी को कर लो, अगर यहाँ पे इंडल्ज करते हैं इन्फिनिटी ले आए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चलिए ए और बी के हिसाब से हम बात कर लेते हैं, तो जो शीट में उसी हिसाब से चलते हैं जरा, ठीक है। कल को मान लीजिए ऐसे लिखा होगा ना, पहले ए से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है, और क्लोज ए से लेकर इन्फिनिटी। अच्छा, कल को ऐसे लिखा होता माइनस इन्फिनिटी से लेकर ए क्लोज, और माइनस इन्फिनिटी से ए लेकर ओपन। तो पहले तो इन्फिनिटी के बारे में बता दें, इन्फिनिटी एक नंबर है जिसके बारे में आपको पता नहीं कि वो एक्सैक्ट नंबर क्या है, इसलिए इन्फिनिटी में हम लोग हमेशा ओपन लगाते हैं, हमें पता नहीं वो एक्सैक्ट नंबर क्या है, इसका ख्याल रखेंगे आप। देखिए इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन, प्लस इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो। अब इस बात को ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ए इज ग्रेटर देन, सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, यानी एक्स जो है वो हमेशा इस एक नंबर, मतलब 2 5 10 15 कुछ भी हो सकता है। तो इसको अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते तो कैसे लिखते हैं, ये हमारा नंबर ए है, इधर हमारा प्लस का इन्फिनिटी जाता है, तो इधर हमारा जाएगा माइनस का इन्फिनिटी। तो ए को लेना है क्लोज, सॉरी यहाँ पे हम ओपन की बात करें, तो एक बार एग्जाम्पल में ओपन ले लेते हैं, तो यहाँ ओपन है, जब ओपन है तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस बात को हम लोग ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात एक ही है ना, कह रहा कि नहीं लेना, तो ओपन के साथ ऐसे चलेंगे इधर पूरा, तो ये हमारा पूरा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। थोड़ा अलग कलर यूज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, ये रहा पूरा। कल वो बाकी के लिए भी हम तैयार रख लेते ना अपना, क्योंकि हमें पता है कि ओवरऑल नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, प्लस ना भी लिखे तो अंडरस्टूड है वो प्लस के बारे में बात की जा रही है ना, इन्फिनिटी बनाने में दिक्कत होता है इसलिए हम लोग ऐसे बना लेते हैं ना, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सर ए से इन्फिनिटी की तरफ जाना है, ए से इन्फिनिटी की तरफ जाना है, यानी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इक्वल टू यानी हम क्लोज है यानी हम ले सकते हैं, देखो ये हमारा अगर ए है, ये हमारा ए है, ये अगर हमारा ए है, तो किधर जाना है, किधर जाना है, ये कह रहा है कि सर ए से बड़ा की तरफ जाना, तो ए के बड़ा की तरफ किधर है, ये रहा हमारा ना, और लेना है कि नहीं लेना, हमारे सुना ए को लेना, तो क्लोज कर दिया और इधर चले गए, तो ये हमारा पूरा नंबर लाइन, ये सारे नंबर इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर माइनस इन्फिनिटी से ए ऐसे लिखा हो, इसका ये मतलब अब ए के इधर निगेटिव साइड में जाना है, तो इसमें x less than और equal to है ना, less than की तरफ हम यूज होगा, तो less than भी लिखा होगा, तो a से इधर की तरफ जाना है, और लेना है कि नहीं लेना, बोला हाँ बिल्कुल लेना सर, तो इधर की तरफ जाना है आपको नंबर लाइन पे। अच्छा, यहाँ पे सर a को लेना है नहीं लेना, और किधर जाना है, इधर जाना है या इधर जाना है, सर इधर जाना है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाना है, ठीक है। तो अब इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि a से a को लेना है नहीं लेना सर, तो ओपन किया और किधर जाना, लेफ्ट साइड पे जाना है, जितने भी नंबर इधर आ रहे हैं सबको इंक्लूड करना है। इस बात को इनइक्वालिटी के फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x इज लेस देन, ठीक है। तो इस ये भी है ना, यहां पे इनइक्वालिटी एक और है बहुत शानदार, कल को अगर मान लीजिए माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी ऐसे करके दे रखा हो,
इसका सिंपल मतलब x belongs to R होता है, पूरा का पूरा रियल नंबर लाइन ही आपने यूज कर लिया है, यानी पूरा का पूरा नंबर लाइन के सारे एलिमेंट माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी सब यूज कर लिया तो सब के सब उठा लिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस इंटरकोर्स में जो सिंपल यूनियन वगैरह पड़ा उसको ऐसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कैसे निकला होता माइनस टू से फाइव यूनियन सेवन से अलेवन, ठीक है, ऐसे। अब इसको रिप्रेजेंट करो आप नंबर लाइन पे, इसका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे जो होगा वो ऐसे होगा, एक दो तीन चार, चार एलिमेंट है, माइनस टू है, फाइव है, सेवन है और अलेवन है, इधर अंडरस्टूड है माइनस इनफिनिटी है प्लस इनफिनिटी है, इसको रिप्रेजेंट करना है अगर हमें ऐसे। ये यूनियन बताता है दिस सिंबल वी हैव जस्ट रेड दैट इज दिस रिप्रेजेंट्स यूनियन, जिसका मतलब होता है ये लो साथ ही साथ ये लो और ये ले लो या और ये ले लो, यानी अगर नंबर लाइन पे इसकी पेंटिंग करता माइनस टू से फाइव तो माइनस टू से फाइव ये सब लेना है। अच्छा, ओपन और क्लोज, माइनस टू पे तो रखना है ओपन और फाइव पे रखना है क्लोज। अच्छा, सेवन से इलेवन, सेवन पे रखना है क्लोज, इलेवन पे रखना है ओपन, अब सात से ग्यारह तक सब ले लूंगा। अच्छा, कल को मान लीजिए ऐसे कल को लिख देता, मान लीजिए मैं माइनस इंफिनिटी से थ्री क्लोज यूनियन यूनियन 10 से इनफिनिटी, ऐसे करके मान लेते हैं, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है। नंबर लाइन पर इसको कल हो सकता है एक दो तीन चार इंटरवल हो, चारों में सेम काम करना हो तो कर सकते हैं। एग्जाम्पल से कल ले लेते हैं, एक और मैं चार का इंटरवल ले लेता हूँ, तीन का इंटरवल ले लेता हूँ, चलिए यूनियन माइनस इन्फिनिटी से मान लीजिए माइनस फाइव होगा और ये ओपन है और ये क्लोज, ठीक है, यहाँ तो ओपन रहेगा, चलिए ठीक है। अब हमें इंटरवल इनफिनिटी को तो रिप्रेजेंट करना क्लियर है, माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी हो गया, एक दो तीन चार, चार एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करना तो थोड़ा सा स्पेस रखते हैं, दिस इज माइनस फाइव, दिस इज माइनस थ्री, दिस इज थ्री एंड दिस इज टेन। एकदम सीक्वेंस ऑर्डर में सबसे छोटा पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा बड़ा वाला चीज लिखते हैं, तो ये ऑर्डर भी एकदम मेंटेन होना चाहिए, लिखने का करेक्ट वे, ठीक है। इन्हें ये वाला इंटरवल को यहाँ लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ऐसा नहीं, निगेटिव से माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी की तरफ चलना, ठीक है। अब उठाना कौन कौन से एलिमेंट है, चलो उठाएंगे माइनस इनफिनिटी से माइनस पांच, हाँ सर माइनस पांच को लेना है तो क्लोज कर दिया, माइनस तीन को नहीं लेना है तो ओपन कर दिया, तीन को लेना है तो क्लोज कर दिया, दस को लेना है तो क्लोज कर दिया। अब इंटरवल कौन कौन सा, माइनस इनफिनिटी से माइनस पांच ये रहा पूरा ले लेने का, माइनस तीन से तीन, माइनस तीन से तीन ये पूरा ले लेने का, और फिर दस से लेकर इन्फिनिटी, दस से लेकर इन्फिनिटी पूरा ले लेने का। तो ये हो गया आपका कल को जो यूनियन और इंटरवल को अगर यूज करना हो तो ऐसे यूज किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए मैं इसको वन कहूँ और इसको मान लीजिए मैं टू कहूँ, जरा इंटरसेक्शन भी दिखा देता हूँ मैं, और मैं आपसे बोलूँ वन इंटरसेक्शन टू, बताइए क्या होगा, है ना। वन का टू के साथ अगर इंटरसेक्शन ले लेंगे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट उठाना है, तो कॉमन एलिमेंट आपको उठाने के लिए आपको इन दोनों नंबर लाइन को मर्ज करना पड़ेगा, मर्ज, ताकि ये समझना है कि कॉमन कहां से कहां तक जा रहा है। तो दो कलर पेन यूज करूंगा मैं और कॉमन वाली बात में जो जो एलिमेंट यहां यूज हो रही है सब लिख लो आप। एक तो पहले सबसे पहले माइनस फाइव आया, उसके बाद माइनस थ्री आया, उसके बाद माइनस टू आया, उसके बाद थ्री फाइव सेवन इलेवन, फिर आया थ्री, फिर आया फाइव, फिर आया सेवन, फिर आया टेन, फिर आया इलेवन, इधर इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी। तो एक कलर से तो आप अपना मार्क कर लो ये वाले इंटरवल सारे, है ना, तो ये ब्लू से मार्क कर लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से माइनस पांच ये वाला, और यहाँ पे क्लोज माइनस तीन से तीन, माइनस तीन से तीन, ठीक है, तीन पे क्लोज, माइनस तीन पे ओपन, फिर दस से इन्फिनिटी तो दस से इन्फिनिटी, दस पे क्लोज, और दूसरे वाले से हम लोग मार्क कर लेते हैं रेड से मार्क कर लेते हैं, चलिए ना माइनस टू से फाइव, माइनस टू से फाइव इसको ऐसे कर लेते हैं ना मार्क, माइनस टू से फाइव एरो क्लैश करने शायद दिखे नहीं, माइनस टू पे रखना है ओपन और फाइव पे रखना है क्लोज, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद में सेवन से इलेवन, सेवन को लेना है, इलेवन तक जाना है, इलेवन को ओपन रखना है, तो इस तरह से हम इसको ऐसे मार्क। अब इंटर जब हम लोग इंटरसेक्शन निकाल रहे होंगे तो हमें ये देखना है कि कॉमन एलिमेंट है ना, कॉमन जहाँ पे दोनों कलर मार्क किए गए हो, दोनों कलर जहाँ जिस यहाँ पे इंटरवल दोनों कलर दिख रहे हैं, यहाँ पे भी दोनों कलर दिख रहे हैं ना,
तो उससे हमें कॉमन बनाना है, यानी हमारा फाइनल x जो है, यहां पर अगर मैं x के बारे में बात करूं, x बिलोंग्स टू, हमारा फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू क्या होगा, लेकिन जो वेरिएबल हम लिए हैं, तो एक तो दिखा सर -2, फिर एक दिखा 3, फिर एक और टुकड़ा है सर बीच में वाला पार्ट नहीं दिया, इसको छोड़ दिया गया है, फिर हम लोग 10 से 11 की बात कर रहे हैं ना, तो 10 से 11 अब बात करना है कि ओपन ब्रैकेट लगेगा या क्लोज ब्रैकेट लगेगा, जब यहां ध्यान रखते हैं इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन है तो एक जगह से तो जो ब्लू वाला वो कह रहा है लेना है और एक जगह कह रहा है माइनस टू नहीं लेना है, माइनस टू नहीं लेना मतलब वो सेट में मौजूद ही नहीं है वो एलिमेंट, ठीक है, और उधर से ब्लू में जा रहा है यानी कंटिन्यूअस है यानी उसको ले सकते हैं, एक जगह एलिमेंट मौजूद है एक जगह एलिमेंट मौजूद नहीं है और इंटरसेक्शन लेना करना है, इंटरसेक्शन क्या कहता है दोनों जगह मौजूद होना जरूरी है, तो दोनों जगह मौजूद में से एक जगह मौजूद नहीं है मतलब उसको हम नहीं ले सकते हैं, तो माइनस टू को हम यहाँ पर ऑपरेट करते हैं, ठीक है, यानी एक जगह लेना है एक जगह नहीं लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा बेसिकली वो नहीं लेना होगा, अगर मान लीजिए दोनों जगह मौजूद है ठीक है और हमें इंटरसेक्शन करना हो तो हम उसको ले लेंगे, अच्छा सब तक मान लीजिए यूनियन हो तो मौजूद होना हो या ना हो एक जगह से भी अगर आ गया तो उसको हम लोग ले लेंगे, सर कल को मौजूद ही ना हो अब दोनों तरफ से है ही नहीं तो कहां से ले सकते हो आप, ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है भाई, यहाँ पे भी एलिमेंट नहीं यहाँ पे भी एलिमेंट, तो यूनियन में थोड़ी वो एलिमेंट कौन हो जाएगा, ठीक है, तो छोटा सा चीज है जो आपको ध्यान रख सकते हैं, तो माइनस टू में रेड वाले तरफ से तो नहीं लेना था लेकिन ब्लू वाले तरफ से ले सकते थे, अच्छा थ्री पे ब्लू भी कहना लेना है रेड भी कहना लेना है तो दोनों हिसाब से हम उसको ले सकते हैं, तो उसको हम लोगों ने क्लोज कर लिया, ठीक है, अच्छा फिर एक और इंटरवल है अलग से, तो यूनियन लगा के ये वाला इंटरवल साथ साथ अब ये वाला इंटरवल चलेगा, 10 पे देख रहे हैं रेड से लेना है और ब्लू से भी लेना है, रेड पे कंटिन्यूस है चलते रहना है तो लेना, तो उसको हम लोग क्लोज कर लेंगे, 11 पे रेड वाला को ओपन कह रहा है और ब्लू वाला आपको क्लोज कर रहा है, तो ओपन और क्लोज आ जाए तो उसके इसमें हम लोग इंटरसेक्शन में ओपन कर देते हैं, तो ओपन करते हैं, तो अगर इन दो इंटरवल का इंटरसेक्शन लिया जाता तो ऐसा कुछ निकल के आ रहा होता, ठीक है, तो आज बस इतने ही रखते हैं हम लोग ना, हाँ काफी कुछ पढ़ा है, नई नई बातें जानी है हम लोगों ने, ठीक है, बेसिक की चीजें बहुत सारी चीजें आज जानी हम लोगों ने, इसका यूज अगले टाइम पे हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे ना मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, तो उस पे बेस सवाल, ठीक है, आज कोई डीपीपी नहीं है ना, डेली प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो आपको मिलेंगे तो वो आज है नहीं, क्योंकि एक डीपीपी पूरा बेस्ड है अगले वाले टॉपिक पे भी, ठीक है, तो सवाल भी करेंगे हम लोग अगले टॉपिक पे इसी पे बेस्ड, उसके बाद ही मैं आप लोगों को एक डीपीपी दूंगा, ठीक है, टिल देन आप अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन